इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेंटिग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इन सब पे डायरेक्ट डेफिनेशन भी इस क्वेश्चन पूछते हैं, या कभी आपको केस स्टडीज में ये सारी वैल्यूज मेंशन करनी होती है एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो इनमें से कोई टॉपिक देख लेते हैं, एटीट्यूड या इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज को शायद मूल सिद्धांत कहते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक आप जो भी बोले वो उठा लेते हैं। मैम इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब वो फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज वाला एस्पेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है? यस मैम। तो सबसे पहले इंटीग्रिटी, दो टर्म्स हैं, एक है इंटीग्रिटी और दूसरा है ऑनेस्टी। काफी आपसे पूछा भी जाता है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बीच में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। आप ऑनेस्ट हैं तो यू विल कंसीडर्ड टू बी इंटीग्रल, और अगर आप इंटीग्रल हैं तो ऑनेस्टी इज इम्प्लाइड इन दैट। तो क्या होता है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, दोनों में डिफरेंस, कोई इस पर प्रकाश डालना चाहेगा? जो मैंने बुक लैक्सिकन वाली बताई थी उसमें ये भी हुए हैं, ये पूरी चीजें। कोई भी, गुड मॉर्निंग मैम, इंटीग्रिटी को थोड़ा सा डिफाइन मैं कर सकती हूँ। इंटीग्रिटी मैम कंडीशन कह सकते हैं व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू एंड व्हाट वी दोनों के बीच में हम बैलेंस करके चलना, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। एनीबॉडी एल्स? मैम इंटीग्रिटी जो है डिपेंड्स आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, और इट कैन बी ऑनेस्ट और नॉट, बट मैम दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं मैम। और ये जो सत्यनिष्ठा है मतलब इंटीग्रिटी है वो जनरली शो नहीं होता है, और ऑनेस्टी इन जनरल दिख जाता है। मैम इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा जो है वो ईमानदारी की चरम सीमा है। जब ईमानदार जैसे जो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो ईमानदार तो होता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति जरूरी नहीं कि सत्यनिष्ठ हो। इंटीग्रिटी इज व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली व्हेन नोबडी सीइंग यू, मतलब आप पढ़ रहे हैं और कोई आपको नहीं देख रहा है तो आप क्या है, इंटीग्रिटी शो कर रहे हैं। नॉर्मली हम बाहर जाते हैं मैम, करनी और करनी जो दोनों एक होना है वही इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी इज साउंडनेस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब जो आप लोगों ने बताया वो ऑलमोस्ट ठीक है, वो ठीक ही है। अपराइटनेस, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और साउंडनेस ऑफ मोरल करेक्टर, इनमें क्या है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप साउंड बिहेव है आपका मोरली, अगर आप अपराइट हैं तो यू आर एन इंटीग्रल पर्सन। डिफरेंस सिर्फ इतना है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का, जो आप ही लोगों ने बता दिया कि ऑनेस्टी जरूरी नहीं है कि अगर आप, हो सकता है कि मैं बाहर जिम करने जाती हूँ और अंदर आके चीट नहीं खा लेती हूँ, तो बाहर तो लोगों को दिख रहा है शी इज डूइंग कंसिस्टेंटली जिमिंग, बाहर जा रही है जिम कर रही है सब कुछ, लेकिन अंदर जाके अपना जो मन कर रहा है वो खा ले रही हूँ। इंटीग्रिटी इज मैं वहां कर भी रही हूँ, अंदर आके भी मैं रेगुलरली वही डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, तो आई एम मोर ट्रूथफुल टू माई सेल्फ। अगर जब आप अपने लिए सच्चे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, जो ऑनेस्टी से ऊपर का लेवल है, एक जो आप लोगों ने बताया कि जो चरम सीमा वाला बताया वो ही है, ठीक है? अब इंटीग्रिटी, मैम कैन वी से दैट इंटीग्रिटी मोर डील्स विद एक्शंस एंड ऑनेस्टी डील्स विद वर्ड्स? नॉट अप्रोप्रिएटली, बिकॉज इंटीग्रिटी आल्सो यू शो इन योर एक्शन एंड ऑनेस्टी एज वेल। यू आर नॉट ऑनेस्ट, आई मीन मियरली बाय सेइंग दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन नोबडी इज गोना कंसीडर यू एज एन ऑनेस्ट पर्सन, यू शुड हैव टू डू समथिंग, सो इट शुड बी इन योर एक्शंस।
somewhere. Integrity is when you are not showing it to others, but you are doing it. Okay, ma'am. If one is honest, whether it guarantees he is following integrity, or one is following integrity, it guarantees he is honest. That is a point. That you are saying you are an honest person doesn't mean you are an integral person. And you are saying you are an integral person doesn't mean that you are honest. So honest, when you are honest, you are considered to be integral. Or when you are integral, you are considered to be honest. So what is the difference between these two? ये तो पूछना चाह रहे हैं आप? Okay. तो हो सकता है कि अगर कोई बंदा इंटीग्रल है तो वो बंदा ऑनेस्ट हो और ना भी हो, या फिर अगर कोई बंदा ऑनेस्ट है तो जरूरी नहीं कि वो इंटीग्रिटी शो करती हो. जो मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप इंटीग्रल हैं तो यू आर वन लेवल अहेड ऑफ ऑनेस्ट. और अगर आप ऑनेस्ट हैं तो मे बी यू मे नॉट बी इंटीग्रल. क्योंकि ऑनेस्ट अगर आप सच बोल रहे हैं या फिर अगर आप कोई काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम ऐसे भी होते हैं कि जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा डिविएट होना पड़ता है, तो अदरवाइज यू आर ऑनेस्ट 90% चीजों में, बट 10% चीजों में हो सकता है हम थोड़ा सा डिविएट हो जाए. वेन यू आर नॉट डिविएटिंग एट ऑल, जब आप 100% उस चीज में ऑनेस्ट हैं, जब आपको कोई और चीज सत्य के अलावा दिखाई ही नहीं देती है, अगर उसमें आपको नुकसान हो रहा हो चाहे फायदा हो रहा हो, then you are considered to be integral. तो एक स्टेप अहेड है. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे सिविल सर्विसेज में इंटीग्रिटी को हम कैसे रिलेट करेंगे, कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट इज सपोजिंग यू टू बी एन इंटीग्रल पर्सन, है ना? ऐसा तो नहीं है कि उन्हें लग रहा हो कि कोई भी बेईमान इंसान हमारे सर्विसेज में आ जाए. और कई बार यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रिटी, बाय इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स, है ना? इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं, इंटीग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट्स के लिए, मतलब क्यों हम बात करते हैं अगर थोड़ा बहुत कोई सिविल सर्वेंट बेईमान भी हो जाए, ये थोड़ा बहुत इधर उधर का बेईमान इन द सेंस कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज से किसी का भला हो जाएगा या आपका थोड़ा भला हो जाएगा तो उसमें क्या बुराई है ना? नॉर्मली तो जब हम लोग पढ़ते हैं, इतनी मेहनत की है, अगर हमें थोड़ा सा फायदा मिल जाए तो उसमें क्या बुरा है, यही सोचते हैं. लेकिन उसके प्रेशर में भी कभी करना, किसी प्रेशर में भी कभी कभी करना पड़ जाता है, करना पड़ जाता है, क्योंकि आप जो है ऐसा तो है नहीं कि आप भगवान है, आप इंसान है, बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं आपके पास ऊपर, फैमिली से, प्रोफेशनल लाइफ में, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप ना चाहते हुए भी कर जाते हैं. तो एक इंटीग्रिटी की जो एक डेफिनेशन बेसिक है वो ये है कि इसका मतलब है कि टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड कमिटेड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज. ठीक है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज, अगर यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन और यू आर इन योर पर्सनल लाइफ, अगर आप परफॉर्मेंस में या अपने काम करने में यू आर कंसिस्टेंट एंड कमिटेड, कि अगर आप कमिटेड हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, ईमानदारी से करना है, और ईमानदारी बाद में आती है अगर आप उसके लिए कमिटेड ही हो जाएं कि हाँ मुझे करना है, तो जब आप कमिट हो जाएंगे तो आपको वो काम करने के लिए अपने आप से मोटिवेशन आ जाएगा और फिर आप अपना 100% उसमें देंगे. जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो यू आर कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड यू आर कमिटेड टू योर स्टडीज, और वो आपकी जो कमिटमेंट है दैट इज इंटीग्रिटी टू योर प्रिपरेशन. ठीक है, तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी इज जब आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज में, पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज में जो इथिकल और मोरल वैल्यूज हमारे पास है, जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट ने बताया है, जो कोड ऑफ एथिक्स हमें फॉलो करने के लिए बोला जाता है, उसमें जब आप कंसिस्टेंट हैं और कमिटेड हैं उसके लिए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी.
है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, कि आप ऑनेस्ट भी हैं एंड अलोंग विद बीइंग ऑनेस्ट यू अपहोल्ड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एज वेल। ठीक है, तो ज्यादा इंग्लिश हो रहा है क्या? नहीं मैम, समझ इतना समझ में आ रहा है सबको? जी मैम। यस मैम, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो फिर आप बता दीजिएगा। मुझे थोड़ा टर्म्स में डिफिकल्टी आती है, वो टर्म्स जैसे कंसिस्टेंट, कमिटेड, ये कंसिस्टेंसी अगर आप हिंदी में अगर आपको पता होगा तो वो आप कर लिख लीजिएगा उसे, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट, जो दोनों का ही हिंदी मतलब नहीं पता, मतलब निरंतर और कमिटेड, किसी चीज को करने के लिए कमिटेड मतलब कटिबद्ध होना, मतलब उसे दृढ़ संकल्प भी बोल सकते हैं हम। मतलब आप समझ गए ना? हाँ मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड कमिटेड टू हिज और हर प्रोफेशनल और पर्सनल वैल्यूज। ठीक है, द पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज आर कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, योर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। व्हेन यू अडहियर टू ऑल दोस, व्हेन यू आर फॉलोइंग द मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, व्हेन यू आर फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, जो सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे हमारे सिविल सर्विसेज के लिए सर्विस कोड है, और कोड ऑफ एथिक्स जो हमें बताया जाता है कि आपको ये फॉलो करना है। इसके जैसे आप बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू कैन नॉट गो फॉर सम अदर पेड जॉब, जैसे मैं कोई पेड सर्विस में नहीं जा सकती अगर मैं अभी मैं सिविल सर्वेंट हूँ, तो वो सब वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना, कि जो कोड में लिखा हुआ है उसके अलग आप कुछ काम नहीं कर सकते, उन सब चीजों को फॉलो करना क्या है? इंटीग्रिटी, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप ऑनेस्ट भी हैं और स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स को भी अपहोल्ड करते हैं। ठीक है, इंटीग्रिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? इंटीग्रिटी में ऑनेस्टी, सिंसियरिटी आता है, इंटीग्रिटी में अपराइटनेस आता है। अब मुझे अब आप सब मुझे इनकी हिंदी बोलते चलिएगा। ठीक है, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी इंटीग्रिटी में इंक्लूडेड है, इसकी हिंदी क्या हुई? ईमानदारी। और सिंसियरिटी की क्या हुई? बोलिए बोलिए, नहीं याद आ रहा, सिंसियरिटी का मतलब नहीं पता चल रहा। जागरूकता दे सकते हैं मैम? ओके, मुझे जागरूकता आई थिंक अवेयरनेस को कहते हैं, सिंसियरिटी गंभीरता में, गंभीरता ईमानदारी और गंभीरता। अपराइटनेस, अपराइटनेस मतलब शॉर्टनेस आई थिंक, तीक्ष्ण, सॉरी तीक्ष्णता अपराइटनेस का, तीक्ष्ण मतलब शॉर्टनेस का, मतलब इससे शॉर्टनेस रिलेटेड है। उसके बाद साउंडनेस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, जब आपके मोरल प्रिंसिपल्स में, मोरल को हिंदी में क्या कहते हैं? नैतिक। जब आपने नैतिक मूल्यों में साउंड है, साउंड है मतलब उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, दृढ़ रहे हैं अपने मतलब नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ निश्चय रहे, दृढ़ता से आप पालन कर। ठीक है ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद है जो आप लोगों ने बोला था कि आपकी थॉट
आपकी स्पीच और आपके एक्शन के बीच का सिंक्रोनाइजेशन, जो आप सोचते हैं आप वही बोलते हैं और आप वैसा ही करते हैं, इन तीनों चीजों के बीच का सामंजस्य। आपके विचारों का, आपकी बोली का और आपके एक्शंस का, आपके क्रियाकलाप, एक्शन मतलब क्रियाकलाप ना। यस मैम। इसके बाद क्या है, लॉयलिटी, लॉयलिटी टू योर रेशनल प्रिंसिपल्स, मतलब जो आपकी रेशनैलिटी है उसके लिए अगर आप लॉयल हैं, ठीक है। अब एक चीज पे ये डिस्कस करते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के लिए इंटीग्रिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बोला जाता है कि सिविल सर्वेंट्स को इंटीग्रल होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सिविल, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपके पास बहुत पावर होती है, ठीक है। आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे या आप स्टेट पीएससी क्वालिफाई करेंगे तो यू विल बी एट अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। आप एक ऐसी जगह पर होंगे जहां पर आपके हाथ में बहुत ज्यादा पावर होगी, और जब आपके हाथ में इतनी ज्यादा पावर्स हैं तो आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सोसाइटी के लिए, कि इतनी पावर्स आपको दी गई हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिली सोसाइटी के लिए यूज करें। और उन पावर्स को यूज करने के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कि आप इम्पार्शियल हो, आप ऐसा ना हो कि किसी एक के पक्ष में आप जा रहे हो। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप जितनी भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट करा रही है, ये जितने भी सोशल गुड के लिए वो काम कर रहे हैं, उसमें आप ऑनेस्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, कि जब आपके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं, जब आपके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सबसे पहले तो इम्पार्शियल होना होगा, भेदभाव रहित होना पड़ेगा और ईमानदारी अपने अंदर रखनी पड़ेगी। क्योंकि फिर अगर आप भेदभाव करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके लोग वहां पर हों या लोग अपने रिश्तेदारों से, इधर अगर हम सोचें तो अगर आपकी जाति के, आपके समुदाय के लोग वहां मिल जाए, आपके रीजन के लोग वहां मिल जाए, तो हो सकता है आप उनके लिए बायस्ड हो जाए, आप उनके फेवर में चीजें करने लगे। तो उनके फेवर में आप चीजें ना करें, आप अपने डिसीजन से के लिए कंसिस्टेंट रहे और उनके लिए कमिटेड रहे। जो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंटल प्लान बनाए हैं या बताए हैं, उनको फॉलो कराने में आप उस डेवलपमेंट का, उस डेवलपमेंट को रिस्पॉन्सिबली निभाए। इसके लिए गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इंटीग्रल। पहली चीज तो ये कि हमारे पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है सिविल सर्वेंट, ठीक है। दूसरी चीज है कि अब जब पावर है, इतनी बड़ी पोजीशन है, तो चांसेस ऑफ करप्शन भी बढ़ जाते हैं, है ना। आपके पास बहुत सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, बहुत सारे टेंडर्स जो है वो आपके थ्रू पास होंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे वेरिफिकेशन आप करेंगे। SDM, DM, DPRO या डिप्टी SP, SP, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में होंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे आप, तो वहां पे क्या हो सकता है कि करप्शन हो सकता है, क्या होते ही करप्शन के चांसेस वहां पड़ जाते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कि जो भी आपके सामने चीजें ऐसी आ रही हैं, जो भी लुक्रेटिव चीजें, जो भी आपको प्रभावित करने वाली है, भौतिक दुनियावी लाभ जो आपको दिख रहे हैं, उनसे आप दूर रहें, उनको आप एक्सेप्ट ना करें। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब आप इंटीग्रल होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उन दुनियावी लाभों के लिए अपने आप को मोटिवेट कर लिया या आप उनकी तरफ उनसे प्रभावित हो गए, तो आप क्या करेंगे कि जो आपको डेवलपमेंट का काम दिया गया है आप उसमें रुकावट पैदा करें, है ना। तो दोनों, दो चीजें समझ में आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। दूसरा, तीसरी चीज है कि being a public servant, आप जो है वो डायरेक्ट पब्लिक से रिलेट करते हैं, ठीक है, पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर है हमारे, मन की बात के थ्रू लोगों से बात करते हैं, प्रेसिडेंट है और जो मिनिस्टर्स हैं
वो सब लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, बट यू एज अ सिविल सर्वेंट आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आप लोगों के बीच में काम करते हैं, आपको ये पता होता है लोकल लेवल पे किसी एरिया में जहां भी आप पोस्टेड हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है या क्या क्या होना चाहिए और पता होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट की आप मशीनरी है, आप वहां गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करने गए, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप काम जो करने गए वो उन लोगों के लिए करने गए जो वहां पर रहते हैं, तो उनसे आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है। तो अगर उस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आपका करेक्टर, आप खुद से अगर नहीं ये प्रोजेक्ट करेंगे, खुद से ये नहीं दिखाएंगे कि अगर आप इंटीग्रल हैं, आप ईमानदार हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, तो आप वहां के लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे। लोग सोचेंगे कि यार ये तो आप एक पैसे मांगने लग जाते हैं, जरा जरा से काम के लिए इनके पास जाओ तो चक्कर कटवाते हैं और डांट फट करके भगा देते हैं। तो अगर आप इंटीग्रल हैं, अगर आप अपने सत्यनिष्ठ हैं, तो वहां पर जो आपको काम दिया गया है, एक तो आप लोगों के साथ जुड़ कर कर पाएंगे, दूसरा आप कोई गलत डिसीजन लेने से अपने आप को रोक पाएंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट वाले में तो ज्यादातर होता है कि जहाँ पे इकोनॉमी वर्सेस डेवलपमेंट का एस्पेक्ट आता है, सॉरी एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, कि पेड़ भी काटने हैं और रोड भी जरूरी है, पेड़ बचाने और रोड भी जरूरी है, तो पेड़ काटे जाते हैं, रोड बनाई जाती है। अब वहां पर आपको बीइंग अ सिविल सर्वेंट या बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो गवर्नमेंट ने बोला है वो आपको फॉलो करना है। आपको वहां पे जाके भले आपको लग रहा है कितना भी डेंस फॉरेस्ट है, कितना भी मतलब इससे हमारी बहुत सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, को सुन के कि वो चीजें आप गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। किसी एरिया में आप ऐसे में पोस्टर हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, अगर आप वहाँ के लोगों से जुड़े, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ने ये काम किया भी है कि वहाँ के लोकल लोगों से जुड़ के उन्होंने ये अपने प्रपोजल्स में लिखा है, क्योंकि अभी तो आप ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, लेकिन अगर आप आगे आप प्रमोट होंगे उसके बाद आप पॉलिसी मेकिंग में आएंगे, तो जब आप पॉलिसी मेकिंग में आएंगे तो आपको पता होगा कि उस एरिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं और वहां पे क्या ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसको आप पॉलिसी का पार्ट बनाएं। अगर आप इंटीग्रल हैं, अगर आप कमिटेड हैं अपने डिसीजंस के लिए, तो आप रॉन्ग डिसीजंस लेने से अपने आप को रोकेंगे, ठीक है। उन डिसीजंस को स्पेशली लेने से रोकेंगे कि जो सोसाइटी को हार्म करते हैं। तीन चीजें हमने पढ़ी, पहली चीज तो आप उस अथॉरिटी पर हैं, आपके पास इमेंस पावर्स हैं, बहुत शक्तियां आपके हाथ में सरकार ने दी हुई है, उसके साथ ही उन्होंने जिम्मेदारी भी आपको, और उस जिम्मेदारी को आप ईमानदारी से और बिना भेदभाव के निभाएं, इसके लिए आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आप इंटीग्रल हो। दूसरी चीज है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी आपके पास है, जिस पोस्ट पर आप जाएंगे, वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है या चांसेस हैं कि आप भी कहीं उसके उसमें आ जाए झांसे, तो उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए, ताकि जो आपको काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप उसमें रुकावट न बने, उस डेवलपमेंट में, उस निर्माण के काम में ऐसा ना हो कि आप ही बाधा बन के बैठ जाएं। आप बाधा कैसे बनेंगे कि अगर 5 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है किसी रोड को बनवाने के लिए या किसी ब्रिज को बनवाने के लिए, तो हो सकता है कि उसमें से 1-1 करोड़, मतलब कहीं कहीं 1 करोड़, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, इतने इतने का शेयर आपने किसी में दे दिया, अपना शेयर रख लिया, बचे हुए 1 करोड़ या 50 लाख आपने ब्रिज बनवा के रख दिया। तो क्या आपने क्या किया, आपने वो जो काम करना था सही से उसमें आपने रुकावट डाली, बाद में पता चला कि अगली बारिश आई और वो ब्रिज टूट गया, वहां पे कितने सरकारी संपत्ति का लॉस हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए फंड रिलीज किया था और उसके बाद वो टूट गया। दूसरा हो सकता है कि वहां पे कोई कैजुअलिटी हो जाए, वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाए, लोग जो है वहां पे बगावत करने लगे, उग्र हो जाए भीड़ कि ऐसा भी, ये नया पुल जैसे बनारस में हुआ भी था कि 2 दिन पहले ही खड़ा किया, उसके बाद वो पुल गिर गया। तो इसलिए आप दो चीजें इम्पोर्टेंट है, तीसरी चीज क्या है कि आप डायरेक्ट लोगों से जुड़ते हैं, बीइंग अ सिविल सर्वेंट लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो आपको खुद में इंटीग्रल होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि आपसे लोग जुड़ पाए। अगर आप लोगों को मारपीट के या डांट फटकार के भगाएंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, तो कोई आपके पास आना पसंद नहीं करेगा, सब कहेंगे ये तो मैडम भगा देती है, जबकि इनके पास आते हैं मैडम तो पैसा मांगने लग जाती है,
कि सर तो वो साहब के पास मत जाना, वो तो जाते सबसे पहले कहते हैं कि इतने यहाँ पे रखो ना। तो आपका करेक्टर जो है वो ये चीज प्रोजेक्ट करना चाहिए कि आप जो है इंटीग्रल, और कभी भी आप और लोगों की समस्याओं को सुन के उस चीज को आप अपने डिसीजंस में इंप्लीमेंट करें जिससे कि लोगों का नुकसान ना हो। इसीलिए सिविल सर्वेंट्स के लिए इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो वो लोग पब्लिक रिसोर्सेस को भी मैनेज करते हैं, जैसे अगर आप एसडीएम हैं तो वहां पर आपको शुरू में अगर पोस्टिंग होती है तो वहां पे आपको राशन वितरण के लिए, सप्लाई के लिए लगाया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपके हाथ में क्या पब्लिक रिसोर्स जिसको आपको मैनेज करना है। उस पब्लिक रिसोर्स के साथ बहुत सारा पैसा है ना जो लोगों की भलाई के लिए, और कभी जैसे अभी कोविड के टाइम पे कितने इंस्टेंट फंड्स रिलीज करे गए कि राशन बंटवाना है, कहीं पर ये वैक्सीनेशन चल रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी डिमांड हो रही है, दवाइयों की कितनी डिमांड हो रही है, बेड्स की कितनी डिमांड हो रही है, सड़क पे लोग कैसे भी अपनी तरफ से लोगों को मदद करना चाह रहे हैं कि कैसे भी कोविड ना फैल पाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर्स का पीएम केयर फंड्स है, स्टेट का फंड है, और भी बहुत सारे एनजीओस हैं, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके फंड्स हैं। तो वो अगर आप डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एसडीएम है, तो वो फंड्स जो है वो डायरेक्ट आपके थ्रू जाते, पास होके जाते। तो जब वो इतना पैसा आपके सामने से निकलेगा वो पब्लिक रिसोर्स को आपको मैनेज करना, तो उस पब्लिक रिसोर्स को आप पब्लिक गुड के लिए यूज करें, इसके लिए भी आपको इंटीग्रल होने की जरूरत, इंटीग्रिटी होने की जरूरत, कि आप कमिटेड रहें कि हाँ मुझे मतलब इसमें से कुछ ऐसा लाभ मुझे नहीं चाहिए जिसके लिए आया है उस पैसे को मैं सही से इस्तेमाल करवा पाऊँ, ना तो मैं लू ना मैं किसी को लेनी। वैसे ऐसा बहुत कम हो पाता है क्योंकि जिसको लेना है वो लोगों के पास अपने होते हैं, लेकिन हमें उन सब चीजों से मतलब नहीं है, हमें अपनी एग्जाम से। उसके बाद आप ये तो पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, पांच वैल्यूज ये सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जी मैम प्रस्तावना में है। हाँ, जो प्रस्तावना में दी हुई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस को क्या कहते हैं हिंदी में? मैम समानता की स्थिति। ओके, और अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी को? समाज में सभी को बराबर मौके। तो ये पांच अवसरों की समानता, अवसरों की समानता, और इक्वालिटी वाला क्या था? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का क्या था? संसाधनों का समान वितरण है, संसाधनों किसी भी का समान वितरण। संसाधनों का समान वितरण जी मैम। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये जो चीज है इन सब सिविल सर्वेंट्स जो है वो इन पांच चीजों के लिए, मतलब जो हमारे प्रीएम्बल में दे रखा है, जो हमारी प्रस्तावना में दे रखा है, सिविल सर्वेंट्स का काम है उन चीजों को अपहोल्ड करना, उन चीजों को मेंटेन करना, जिससे कि क्या है हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विकास। तो हमारा मेन काम क्या है? विकास और अचीवमेंट ऑफ ये पांचों क्वालिटीज, अवसरों की समानता, कि सबको अवसरों की समानता मिले, सब
के लिए संसाधनों का समान वितरण हो, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं पिछड़ गया, है ना, अवसरों की सबको समानता दी जाती है। तो ये सिविल सर्वेंट्स का काम है, क्योंकि अगर आप कल को पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जो छूट गया हो। जैसे कल की न्यूज है कि गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम्स में, अगर आप लोगों में से किसी ने मेडिकल की तैयारी की हो तो नीट एक एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट। जय भैया। यस मैम, यस मैम, 27% रिजर्वेशन होगी। तो वो जो रिजर्वेशन दिया गया है बहुत पहले से, जो नीट हो रहा था, मैं क्योंकि तैयारी मैंने मेडिकल की है तो मेरे टाइम पे नीट शुरू हुआ था, उससे पहले नीट नहीं होता था। उससे पहले ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग AIPMT देते थे और उस स्टेट पे CPMT देते थे और बाकी PSU और चीजों के एग्जाम देते थे। तो शायद 2013 के आसपास नीट मैंने दिया था और नीट जो था ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम था, लेकिन उस टाइम पे CPMT अलग हुआ था। CPMT वालों ने अपना जो कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट है यूपी का, मेडिकल के लिए मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, उन्होंने अपना अलग से लिया था। तो अब शायद 18 से जो वो ले रही है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको ऑर्गेनाइज करा रही है नीट को, कि सब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए उसको ही दे दिया NTA के लिए, NTA को, कि वही कंडक्ट कराएंगी, SSB वगैरह भी शायद वही करा रहे हैं। तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने, उनके यहाँ जो ऑल इंडिया पे हमारी NCERTs चलती है या स्टेट पे हमारी यूपी में अलग यूपी बोर्ड की बुक्स हैं और बाकी सेंट्रल लेवल पे NCERT की बुक्स चलती है। तो NCERT की बुक्स वो लोग नहीं पढ़ाते थे, उनके यहाँ अपने स्टेट बोर्ड की बुक्स चलती है और उनके स्टेट में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तमिलनाडु का, कर्नाटका का, केरला का, उसमें उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब नीट ऑल इंडिया लेवल पे करवा दिया गया तो अब उन बच्चों ने तो स्टेट बुक्स पढ़ी है, उन्होंने तो NCERTs पढ़ी नहीं है और वो लोग तैयार भी नहीं है NCERTs इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सिलेबस में। तो उन लोगों को तकलीफ होने लगी कि जो उनके स्टेट के बच्चे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा मेडिकल में। तो वहां से बहुत अभी शायद तमिलनाडु ने ही मद्रास हाईकोर्ट में इसके लिए पिटीशन डाली। तो वहां से जब उन्होंने लगा और ज्यादातर क्या, वहां की जो पॉपुलेशन है वो शायद OBC कैटेगरी में ज्यादा है, तो वहां से जो डिमांड आ रही थी उसकी वजह से फिर शायद मुझे लगा कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इंप्लीमेंट किया है कि वहां के बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया में हो पाए। अदरवाइज क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटे के लिए हर स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में 10-15%, जैसे PG में तो 50% का है, UG में 15% का है, तो ऑल इंडिया कोटे से किसी भी स्टेट में 15% बच्चे आ सकते हैं और UG में और PG में शायद 50% बच्चे जो है ऑल इंडिया कोटे से आ सकते हैं। कि अगर आपको, आप यूपी के हैं और आपको जाके बैंगलोर में पढ़ना है तो वहां पर ऑल इंडिया कोटे से 15% सीट्स पे आप बैंगलोर के किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं या मुंबई के किसी भी बेस्ट कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ऑल इंडिया में। नहीं तो अदरवाइज अगर तो स्टेट में आपके लिए 85% सीट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पे MBBS में, तो वो आप उनमें आप 85 में आप आ सकते हो 85% सीट्स में। लेकिन आप इन्होंने ये रिजर्वेशन 27% कर दिया। इसके प्रॉस भी है, इसके कॉन्स भी है। पहली चीज तो यही है कि जो रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उनको उस चीज का एडवांटेज मिलना चाहिए, कि अगर वहां के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, या तो उनको स्टेट को अपने करिकुलम में चेंज करना चाहिए ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं शुरू से उसके लिए आपको धीरे धीरे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक पूरी जनरेशन में भी हो सकता है कि उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन ना कर पाए, इससे तो वो और पिछड़ जाए। शायद इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया रिजर्वेशन वाला। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ इंटीग्रिटी है, इसमें इंटीग्रिटी यहाँ है कि आपको ये देखना है कि आप अपने से इधर और दूसरे लोगों की भलाई आप देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना। रिजर्वेशन पे हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है या हमारा जो कुछ भी सोचना है उसको हमें नहीं सोचना है, हमें ये देखना है कि एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको क्या इम्पार्शियल होना है, आपको अनबायस्ड होना है ना, आपको हर किसी, आपके सामने डेटा होगा, आपको हर चीज के लिए सोचना है। ये नहीं सोचना है कि कल को हमारे बच्चों को फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है।
ठीक है, कोई आपको अगर बात करनी हो या कुछ बोलना हो उस पे, क्योंकि ये इस बार का टॉपिक है, आएगा इसमें क्वेश्चन जरूर रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन पे जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत टफ नहीं रहते, लेकिन उस पे आंसर करना बहुत टफ रहता है कि आप एग्जैक्ट समझा नहीं पाते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहे? कोई नहीं, इसका मन नहीं है बोलने का, सब लोग शांत। इंटीग्रिटी वाला समाप्त हो गया। इंटीग्रिटी इसमें कैसे लिंक्ड है? इंटीग्रिटी इसमें ऐसे लिंक्ड है कि आप जो है, आपको क्या इंटरेक्शन, आप हम जैसे ही सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई होगी, गवर्नमेंट तो सिर्फ अपने डिसीजंस बता रही है, गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी मंशा शो की होगी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो ये बनाया प्लान 27% रिजर्वेशन देने का जो बनाया है पॉलिसी, ये किसने बनाई है? हम जैसे लोगों ने बनाई, हम लोग वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, तो हम लोगों ने ये चीज बनाई। जब हम वहां बैठे हुए हैं, हम ये चीज बना रहे हैं, तो आपके मन में एक पल को ये थॉट नहीं आना चाहिए कि हमने ये जो बना रहा हूँ इसकी वजह से हो सकता है कि कल को मेरा ही नुकसान होना शुरू हो जाए। आपको ये सोचना है कि एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो इस चीज से इफेक्ट हो रही है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज इनिशिएटिव की जरूरत है जिससे थोड़े टाइम के लिए उन्हें फायदा मिल जाए और वो अपने आप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाए। तो अगर आप उस चीज को सोचेंगे, अगर आप उसको अनबायस्डली सोचेंगे, अगर आप उस डिसीजन के लिए कमिटेड रहेंगे कि हाँ मुझे लोगों के भले के लिए सोचना है, तो वहां पर आप इंटीग्रल, क्योंकि आपको क्या इंश्योर करना है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसरों की समानता, संसाधनों का समान वितरण, ठीक है? जैसे आर्थिक आर्थिक तौर पे पिछड़ापन जो वर्ग रहता है उसे आरक्षण दिया जाता है मैम, लेकिन एक निश्चित रूप उसका समय अवधि होती है, जैसे 10 साल से चला रहा है आरक्षण, लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। हर साल यानी पॉलिटिकल उनका प्रयोग किया जाता है, कोई भी पार्टी रहती है इसमें, लेकिन एक जैसे कि पदोन्नति के लिए भी आरक्षण दिया जाता है, ये तो गलत है मैम। जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हो जाते हैं जैसे कि किसी भी सर्विस में जाके, तो उसे पदोन्नति के लिए आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो संपन्न हो चुका है। हाँ, ये जैसे है कि 2019 टाइम लिमिट डिसाइड करी हुई है कि हर 10 साल के लिए, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे, लेकिन ये ज्यादा पॉलिटिकल है कि ये देखिए सभी चीज सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, इसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये चीज पता है कि बहुत सारी चीजें वोट्स के लिए की जाती है ना, सरकार को सत्ता में भी देना है। हम आप तो ऐसे हैं कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें अपने लिए एक सर्विस चाहिए अच्छी, है ना, उनको उनके साथ भी सेम यही है, उनको भी अगर मैं अगर बहुत ओपनली या ब्लंटली बोलूं तो यही चीज है कि ज्यादातर चीजें वोट के लिए होती है। इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है पिछले 2-3 साल से, हम लोग देख रहे हैं, 19 से तो लगातार ही देख रहे हैं, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, 22 में इलेक्शन है, अब 22 में वो अचानक से सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो उसका रीजन क्या है कि आप अगर किसी चीज को बहुत टाइम तक पकड़ के रखे हुए हैं तो इसका मतलब यही है ना कि आगे आप उससे कोई चीज एडवांटेज लेना चाहते हैं आप उसको, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल होती है, तो इसीलिए उस एस्पेक्ट में थोड़ा सा ना जाके हमें ये फोकस करना होता है कि हाँ एग्जाम हमें अपना करना है, इसके अलावा बाकी जो हो रहा है थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि अगर रिजर्वेशन प्रमोशन में जैसे आपने बताया पदोन्नति में गलत है, बहुत सारी चीजें गलत है, लेकिन एक चीज वो भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उसका एक्चुअली में फायदा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो जिनको उसका फायदा मिलना चाहिए उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो फायदा उठा लेते हैं। तो अभी तक यही प्रयास है सरकार का और हम सभी लोगों का कि जिनको उसकी सही में जरूरत है कम से कम उन तक वो चीजें पहुंच जाए। जैसे कई यूपीएससी में भी कई एसटी कम्युनिटी की जो है
फीमेल कैंडिडेट है, विकलांग है, एक दो क्वालिफाई की है, तो जब रिजर्वेशन मिला तो उसका उनको फायदा मिला और उस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वास्तविकता में उसकी जरूरत, उनके परिवार में या कोई पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा है ही नहीं बताने वाला, उन्होंने कभी बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली और समाज में इतनी कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिली, तो सिर्फ उन्हें एक मौका रहता है कि वो अपना सम्मान या अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। तो अगर उसमें उनको थोड़ा सा अगर एडवांटेज दे दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि इट शुड बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड। सर जब आपको दिखने लगे कि वो आंकड़े जब बराबरी पे आने लगे तो फिर आपको उसके रिव्यू की जरूरत है। आपको ये देखना चाहिए कि अगर वहां से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, जैसे राजस्थान की मीना कम्युनिटी, उनका जो है हिस्टोरिकल रीजन की वजह से वो जो है रिजर्वेशन का फायदा उठा पाए, लेकिन आज मीना कम्युनिटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, चाहे वो पॉलिटिकली देख लीजिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, चाहे वो लैंडलॉर्ड जो रहते हैं उसमें देख लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, स्टिल वो रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं। तो उस चीज पे उनको ध्यान देना चाहिए कि जो जो कम्युनिटीज हैं जिन जो आगे बढ़ चुके हैं वहां वहां पर कम से कम थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हाँ जो लोग रह गए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हों जिनके बारे में हम नहीं जानते और वो शायद पिछड़ेपन की कगार पे, और कुछ जो आगे बढ़ गए हैं उनको हटाना चाहिए और जो नए हैं मतलब जो अभी इसमें आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैम जैसे सर्टेन कम्युनिटीज को मैम वाइज करते हैं इसका जो 50% रिजर्वेशन 50% की नहीं उसके ज्यादा देते हैं, ये पूनम आप थोड़ा सा तेज बोलो, कह रहे हैं जो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को बढ़ा देते हैं उनको ये चीज भी थोड़ा सा मुझे लगता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ ये है कि 50% से ज्यादा में फिर ऐसा लगता है कि बची हुई 50% सीट्स में भी अगर उनके मार्क्स ज्यादा हैं तो वो उसमें कॉम्पीट करते हैं, मतलब डायरेक्ट जनरल की सीट से आती है ना, वो 50% में उधर तो है ही और इधर भी 50% में अगर मेरिट लिस्ट में ऊपर है तो फिर जनरल की सीट्स जाती है, लेकिन ये बहुत डाइसी है इस पर बोलना, या क्योंकि हर किसी का इस पर अलग पर्सपेक्टिव है ना, और हम सिर्फ अपना स्टैंड इतना रख सकते हैं कि सरकार को बस थोड़ा इतना सोचना चाहिए कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत है ना, किसी एक मैम कम्युनिटी वाइज तो मैम बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा, लेकिन मैम इंडिविजुअल बेस को तरह से किसी को सर्विस मिली, कोई सिविल सर्विसेज में आ गया ऑन कोटा बेसिस, तो मैम उसके बच्चों को आई थिंक रिजर्वेशन मतलब नहीं मिलना चाहिए, अगर कोई सिविल सर्विसेज बन चुका है तो अब आपकी जो जेनरेशन है आने वाली इसमें शायद ये है कि दूसरी पीढ़ी तक मिलता है, तीसरी पीढ़ी को इसका एडवांटेज शायद नहीं, जो जहां तक मुझे याद है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, मुझे लगता है कि ही है, तो पहली पीढ़ी को मिले फायदा कोई बात नहीं, दूसरी पीढ़ी ही उसका फायदा उठाती है, क्योंकि जब आप इस लेवल पर हैं कि आप अपने बच्चों को सेंट स्टीफन्स में या सेंट मेरीज में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, जब आपको उस चीज का आइडिया है कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसे क्लियर किया जाएगा, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो है वो इसमें पिछड़े हुए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस चीज में आपको कम से कम एक बार ये सोचना चाहिए कि किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत है। और बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन जैसे मिला, ईडब्ल्यूएस भी गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो वो अब भले ही चाहे आप EWS अपने एक नई कैटेगरी जोड़ दी, लेकिन अल्टीमेटली आप उसे करना क्या चाहते हैं, जिनको जरूरत है उनको आप इसका फायदा दीजिए, जिनको जरूरत नहीं है उनको लिस्ट से बाहर कीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल चीजें होती हैं जिनमें आप कुछ नहीं कह सकते, उनको भी अपना वोट बैंक देखना।
मिलना तो नहीं चाहिए जो सेकंड जनरेशन है, लेकिन आप उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। हम आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उस पर अपनी राय उनके सपोर्ट में दे सकते हैं कि उन्होंने ये चीज क्यों की, इससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। थोड़ा एक चीज तो है कि फायदा, जैसे सरकार ने अगर ये किया है तो जरूर इसका फायदा तो मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन, कुछ ना कुछ ऐसा। जैसे तमिलनाडु ने ये इश्यू उठाया तो ये जाहिर तौर पर बात है कि वहां के लोगों के बीच में ये चीज हो की कि हमें हमें पीछे छोड़ा जा रहा है, या हमें इस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है, या हम उतना नहीं कॉम्पीट कर पा रहे। तो अवसरों की समानता वो सबके लिए है, है ना। हम इक्विटी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी में जोर देते हैं कि समानता सबको, लेकिन जो समान नहीं है उसके लिए आप कुछ एक स्पेशल सीढ़ी लगा सकते हैं कि वो आगे बढ़े। यहाँ पे मैम इंटीग्रिटी पिक्चर में आ सकती है, जैसे कि मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी कोटे से सिविल सर्विस ज्वाइन करने का मौका मिला, सिविल सर्विस ज्वाइन करता हूँ, तो वहां मैं अपनी इंटीग्रिटी शो करूंगा कि मेरे बच्चों को या मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को उस कैटेगरी का फायदा ना मिले और जो जरूरतमंद है उनको मिले। मैं खुद ही अपने बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करूँ कि वो इस चीज का फायदा ना लें। हाँ, ये आप कर सकते हैं, लेकिन बस एक ये बात है कि ऐसा बहुत कम हो पाता है, मतलब अगर कम हो पाता है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप मतलब अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप संपन्न हैं तो आप अपने बच्चों को एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग, आप उनको वैसे ही उतना ही काबिल बनाइए कि वो फाइट करे, है ना, वो अच्छा खासा फाइट करे और वो कॉम्पिटिशन दे बढ़िया, तो वो अपने आप से ही अच्छे मेरिट लिस्ट में आएंगे, जरूरत भी नहीं पड़ी। तो आपके बच्चे भी पढ़ जाए, कोशिश तो हर माँ बाप की रहती है खैर कि बच्चे आगे बढ़ जाए। लेकिन मैम वो सारी सुविधाएं तो मिल सकती है ना, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ाई का पूरा सब संसाधन मिल सकते हैं, पिताजी अगर सही है तो। अगर जो गरीब वीकर मतलब गरीब लोग हैं उनके बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती तो जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। सही बात। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी स्कूल में जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे जहाँ पे ढंग से टेबल चेयर भी नहीं थी, टीचर्स भी पढ़ाने वाले नहीं थे, जिनको कुछ खुद नहीं पता था, और बहुत सारे ऐसे उसके अलावा लोग हैं जिनके बच्चे इतने अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे थे कि वो 3 साल के 4 साल के बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, है ना, उनको बहुत अच्छे एटिकेट्स पता है। अंग्रेजी बोलना खैर एक अलग चीज है, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको वो और चीजें जो साधन संपन्नता है वो उनके पास ज्यादा है, और जो गरीब है जो उनके पास भी नहीं है, तो ये भी एक आस्पेक्ट है। इससे ये है कि इससे लड़ा जा सकता है, इसके लिए आगे प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सरकार है, जो सत्ता में लोग हैं, हमें वही करना है जो वो हमें बताएंगे, है ना। हम अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम बहुत ऊपर के लेवल पे, ठीक है, हो सकता है कि हम में से मैम हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं ना कि अगर रिजर्वेशन गलत होता है तो कहीं ना कहीं जुडिशरी इसको रिमूव कर ही देती। हाँ, हो सकता है कि अभी इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला जाए, जैसे जो उनका था नरसिम्हन राव के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो रिजर्वेशन बढ़ा दिया था उसको फिर जुडिशरी ने वहां पे एक्शन लिया था। तो जहाँ कहीं पे भी कुछ एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म हमें मिलती है देखने की, है ना। और ये बात है कि बहुत सारी चीजों में हम ये चीज सोच सकते हैं कि जो सत्ता में लोग हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं इस टाइम, वो क्या चाहते हैं, है ना। जैसा हमारा लेजिस्लेचर है वैसा ही हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, और वैसी ही हमारी जुडिशरी का ट्रेंड होता है, ये माना जाता है जनरली। जैसे अगर आप अभी बहुत सारी चीजों में जुडिशरी के डिसीजन देखेंगे
तो वो आपको वैसे ही दिखेंगे जो आपका लेजिस्लेचर चाहता है ना। बहुत ज्यादा आप उसमें एक्सट्रीम चीजें नहीं देखेंगे जब तक कि कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए कि जो बहुत ज्यादा इंटीग्रल हो। जैसे अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने, तो उस टाइम कुछ सरकार के ऐसे निर्णय हैं जो जिसमें बहुत चीजों में ऑब्जेक्शन उठे हैं। जैसे एक तो आर्टिकल 370 पे बहुत ऑब्जेक्शन उठे हुए हैं कि वहां पर सरकार ने जो डिसीजन लिया उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पाई। क्या मैं उसे गलत नहीं समझती, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जहां पर सही गलत से ज्यादा आपको अपनी नेशनल इंटीग्रिटी और हमारी सोवरेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वहां के लोगों को हमें समझाने की जरूरत है ये चीज के जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है, वो भारत ही है। तो उस डिसीजन पे सरकार के अपोज में बहुत सारी ये चीजें पड़ी हुई हैं। दूसरा, अभी ये नया रेजोल्यूशन वाला आया है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक दिल्ली में बिल लेकर आए थे जिसमें कि गवर्नर को ज्यादा पावर्स दी गई थी। उसके अलावा अभी राकेश अस्थाना का अपॉइंटमेंट हुआ है, दो दिन पहले कल ही हुआ है शायद। राजेश अस्थाना है जो सीबीआई के पहले डायरेक्टर थे, राकेश अस्थाना मैम, हाँ, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। गुजरात कैडर के थे, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है दिल्ली में डीजीपी। तो वो चीज है कि स्टेट में मतलब एजीएमयूटी कैटेगरी से कैडर से क्या कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसको डीजीपी बनाया जा सकता था। उनको सिर्फ मतलब गुजरात कैडर के ही कोई पर्सन मिले जिससे दिल्ली में उनको बनाया जाना। तो इट्स मोर ऑफ पॉलिटिक्स ना, अपने को इस पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रह के बैलेंस्ड चीजें सोचनी है। जैसे उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम है तो क्या जुडिशियरी फिर इस पे एक्शन ले सकती है, या हमें सोचना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू इसका हो जाए, नहीं तो वही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे। जैसे अभी जो एडीजी की डेथ हुई उस पर जुडिशियरी ने लिया सुओ मोटो कॉग्निजेंस। मैम अभी SC ST एक्ट के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया था कि अगर कोई भी उनके ऊपर मुकदमा होता है तो उसमें पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद में गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने उसमें पूरा पलट दिया बिल लाके, और जब ये जो पीड़ित लोग हैं उसमें वो लोग बोले तो उनके लिए लॉलीपॉप पकड़ा दी 10% EWS की। तो ये सब चलता है, पॉलिटिक्स है, मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये SC ST के लिए, जैसे हम जो है एज अ डिप्टी SP, अगर आप भी डिप्टी SP होंगे, तो तीन मेन अपराध हैं जिनकी आपको विवेचना करनी होती है, जिनके आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं। सबसे पहले तो दहेज हत्या, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और तीसरा SC ST एक्ट। तो उसमें अगर आप उसमें उन्होंने यही बोला था कि जो जांच होगी वो CO लेवल का अधिकारी ही करेगा। FIR लिखने से पहले उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी जो CO लेवल का अधिकारी ये इंश्योर करेगा कि क्या ये मामला सही है या गलत है। अब उसमें जो लोगों को ऑब्जेक्शन आया था वो ये था कि सबसे पहले तो वो लोग बोलने से ही इस चीज को डरेंगे, इतने बड़े अधिकारी के पास जाने से कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, या ये जनरली बहुत ऊपर के लेवल के अधिकारी से बोलने से पहले लोग डरते हैं, है ना, सिपाही से भी लोग डरते हैं, तो CO से तो लोग मतलब आएंगे ही नहीं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं या बहुत सारे ऐसे केसेस में भी होंगे या होते कि जिसमें वो सामने नहीं आ पाते, और लेकिन कोर्ट ने फिर इसको बोला कि ऐसा कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया था कि CO लेवल के ऑफिसर की जांच हो, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि इलेक्शन है और अभी इस तरह के डिसीजंस, क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हुआ था उसके ऊपर। मुझे याद है दिल्ली में पूरी ट्रेन्स पूरे कौन सा स्टेशन है वो, नई दिल्ली के अलावा एक और स्टेशन है वहाँ, तो पूरे स्टेशन पे बहुत जाम लगा हुआ था, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई थी पूरी तरीके से। तो उस चीज को भी इनको संभालना है। एक चीज है इसमें कि अब ये चीज हम बोल नहीं सकते ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जो एक गोपीनाथन है, कौन है, एक IAS ऑफिसर है जिन्होंने 370 के ऊपर रेजिग्नेशन भी दिया है, 370 के ऊपर वो काफी चीजें बोलते रहते हैं कि वहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। हम इंटरनेट के बिना सोचिए, हम लोग जब, मैं तो अलीगढ़ से हूँ, तो अलीगढ़ में आप सब लोग भी शायद अलीगढ़ का ही ग्रुप है नहीं जी मैम। तो
अलीगढ़ में इंटरनेट नहीं होगा था उस टाइम पे, रात रात भर बैठ के देखते थे भगवान कैसे तो इंटरनेट आ जाए, दो दो बजे उठ रहे हैं इंटरनेट आ जाए, इतना प्रोटेस्ट चल रही थी एमयू में उस टाइम पे, सीए के टाइम पे। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार जम्मू कश्मीर के लोग कैसे रहते होंगे, मतलब इंटरनेट एक ऐसी बेसिक नेसेसिटी है कि आपको हर चीज के लिए आज लगता है कि जैसे खाना वैसे इंटरनेट, मतलब आप अपने पढ़ने से लेके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इंटरनेट के, इवन हम लोग भी कनेक्टेड हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू है ना, तो वहां के लोग उस चीज को कैसे कर पा रहे होंगे कि एक पूरी समझ लीजिए एक पूरी पीढ़ी उनके पीछे जा रही जो उनको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा पूरे, मैंने शायद 24 महीने कुछ तक तब तक मैंने पढ़ा था कि सस्पेंडेड थी वहां इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं, ह्यूमन राइट्स, वहां के लोग बाहर निकलने से पहले डरते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि वो ही उनमें से ही किसी लोगों को भड़का के वहां के लोग लेकर चले जाते हैं और अपने फायदे के लिए जो असामाजिक तत्व है उन्हें यूज करते हैं, जैसे ग्रुप बना के इंटरनेट के थ्रू ग्रुप बना के वही लोग पत्थरबाजी करते हैं, बाजी करवाते हैं। तो अब दोनों ही चीजें हैं, अब उसमें ये है कि हमको अपनी विवेक का यूज करके उस चीज में ये सोचना पड़ेगा कि कहां तक उनको क्या सुविधा दी जाए और कहां पर फिर उसको रोका जाए। देखिए इस पे क्या कोर्ट का डिसीजन आता है, हम लोग तो अपने इंटीग्रिटी पढ़ते हैं, ये तो मतलब ऐसी चीजें हैं जिन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, काफी अच्छे डिस्कशन कर सकते हैं। फ्रूटफुल कंक्लूजन सिर्फ इनके यही होते हैं कि एक तो विल पावर, जैसे सरकार की विल पावर विल होनी चाहिए कि हाँ हमें लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, दूसरे की सिविल सर्वेंट्स अगर इंटीग्रल हैं, सिविल सर्वेंट अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो बदलाव आते हैं, तो चेंजेस आते हैं। इसमें हम गांधी को भी कोट कर सकते हैं कि गांधी जो थे वो अपने डिसीजंस के लिए कमिटेड थे, देश की आजादी के लिए कमिटेड थे, है ना, उनका दूसरा एस्पेक्ट नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी क्रिटिसिज्म है कि अगर हम एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के बीच में जाएं वो वाला एस्पेक्ट नहीं, लेकिन गांधी को एज एन क्वेश्चन पेपर आपको सोचना है, एग्जाम देना है, ठीक है, क्वालिफाई करना है। तो वैसे अगर सोचा जाए तो गांधी जो थे वो अपने डिसीजंस के लिए कमिटेड थे, उनकी मोरल और एथिकल वैल्यूज के लिए वो कमिटेड थे, तो उन्होंने देश को आजादी दिलवाई। तो एक पर्सन जो वो इंटीग्रिटी शो करता है उसकी वजह से हमारा मुल्क आजाद हुआ, है ना, 15 अगस्त आने वाला है, ये महीना तो देश की आजादी का है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बचा कि आप अगर आप यही चीज की सेंसिटिव रहते हैं, वैसे भी अगर आप इन जनरल जैसे आप लोग हैं, हम सब लोग हैं कि हम लोग जनरली सेंसिटिव हैं, हमें सही गलत का आइडिया है ना कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें हम अपनी अप्रोच लगा पाते हैं। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोलते कि SC ST रिजर्वेशन गलत है, हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार उनको मिलना चाहिए, एक वर्ग है जिसको मिलना चाहिए। OBC के लिए भी अभी हम लोग कह रहे हैं कि हाँ स्टेट में जब ऑल इंडिया सीट्स पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पा रहा था तो अभी धीरे 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 उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जाता था, तो हो सकता है कि अब आगे चल के इससे उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, है ना। तो आप क्या है, आप एफिशिएंट भी हैं, दूसरे सेंसिटिव भी हैं, तो आप जो अपनी एबिलिटीज हैं उसमें इंटीग्रिटी शो कर पाते, और दूसरा इंटीग्रल अगर आप हैं तो आप अपनी पोजीशन का अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए आप मिसयूज नहीं करेंगे। जैसे आपके पास कोई FIR लिखाने आ रहा है या आपके पास कोई किसी काम से आ रहा है कि आप ही पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं किसी चीज का, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप उससे पैसे मांगने लग जाए, है ना। तो अगर आप इंटीग्रल हैं, अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, तो आप अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए अपनी पोजीशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अब इन सब चीजों का जो निष्कर्ष है वो ये है कि गुड गवर्नेंस, है ना, आपको गवर्नेंस के लिए ही लाया गया है, सरकार की नीतियों को सही तरीके से लाने इम्प्लीमेंट करने के लिए,
आपको लाया गया है, तो आप इंटीग्रल होके क्या करते हैं, आप अकाउंटेबल रहते हैं, आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं, और आप की जो गवर्नेंस है वो एफिशिएंट होती है. यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस. क्या मैम मेरा एक क्वेश्चन है? हाँ मैम, जब वो ऊपर से फोर्स रहता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो उनकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है, क्योंकि वो लोग ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा ज्यादा क्राइम है ही नहीं, जबकि जो नीचे का स्तर है, जमीनी स्तर पे क्राइम होता है, लेकिन वो एफआईआर करेंगे ही नहीं. और ऊपर से भी उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि तुम्हारी ये ज्यादा केसेस नहीं आने चाहिए, ये सब चीजें, तो वहाँ पे क्या करें? अब देखिए, जैसे आप है, अगर आप एज ए सीओ पोस्टेड होते हैं तो आप थानों के, आप थानाध्यक्ष हैं, है ना, आप वहाँ पे आपके अंडर 3-4 थाने रहेंगे, 4-5. उसके बाद हर थाने पे एसओएस जो होते हैं, अब जो वहां पर जो भी जो आप क्षेत्राधिकारी हैं और वहां पर जो भी थानाध्यक्ष होगा, जो भी एसओ इंस्पेक्टर होंगे, उनकी जो नियुक्ति है वो इसी बेसिस पे की जाती है कि आपके जिले में बहुत ज्यादा क्राइम नहीं होना चाहिए, आपके थाने पे बहुत ज्यादा क्राइम नहीं होना चाहिए. आप सुपरवाइजरी ऑफिसर है, आपको ये देखना है कि आपके सर्किल पे 5-6 थाने जो भी है, उन पे जो वहाँ के थाने अध्यक्ष, जो वहाँ का दरोगा है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं. दरोगा की जो एसआई है वहाँ पे, जो सब इंस्पेक्टर है या एसओ इंस्पेक्टर है, उनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कहाँ एसपी से हो रही है, एसपी एसएसपी से, वो इस चीज पे देख कर रही है कि क्राइम कम से कम होना चाहिए. अब क्राइम कम से कम होना चाहिए, इस चीज को कौन शो करेगा? इस चीज को शो करेगा आपका क्राइम रजिस्टर. हर थाने में क्राइम रजिस्टर होता है, अपराध रजिस्टर. अपराध रजिस्टर में वो लिखा जाता है कि वहां पर कितनी एफआईआर दर्ज, कितनी एनसीआर, कितनी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं, असंज्ञेय अपराध की कितनी एफआईआर दर्ज हुई. असंज्ञेय अपराध में एफआईआर नहीं दर्ज होती, एक रसीद कटती है. संज्ञेय अपराध वो रजिस्टर नंबर 4 में, हां रजिस्टर नंबर 4. तो वो जो रजिस्टर है, अगर वो रजिस्टर आपका भरा रहेगा, उसमें इतनी सारी एफआईआर है, तो अब आपके जो एसएसपी एसपी है वो आपसे कहेंगे कि तुम तो बिल्कुल अच्छा थाना नहीं चला रहे, इतना क्राइम बढ़ा हुआ है. तो उसको देखते हुए वहां के जो दरोगा है वो एफआईआर नहीं लिखते कि हमारे जिले में क्राइम ना बढ़ जाए, हमारे थाने में क्राइम ना बढ़ जाए, इसलिए वो नहीं लिखते. लेकिन एज अ सर्कल ऑफिसर आपकी ये ड्यूटी है कि आप ये चीज देखें कि कोई ऐसा वादी या कोई ऐसा पीड़ित थाने पर है जिसकी एफआईआर क्या वहां नहीं लिखी जा रही, है ना? ऐसा तो नहीं है. इसीलिए आपको वो जो रजिस्टर नंबर 4 है, अपराध रजिस्टर, वो आपको चेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ये देखने के लिए कि कहीं आपके अंदर जो थाना अध्यक्ष है वो मनमानी तो नहीं कर. बहुत सारे तरीके हैं आपके पास उसको कंट्रोल करने के. तो ये एज अ सर्किल ऑफिसर आपको इंश्योर करना पड़ेगा, अगर आपके पीएसपी है, कि किसी पीड़ित की या किसी ऐसे इंसान की जो कि सच में निर्दोष है, या कोई ऐसा इंसान जो सच में पीड़ित है, उसके साथ गलत ना हो, तो आप एज ए सर्किल ऑफिसर ये इंश्योर कर सकते हैं. लेकिन कई बार जगह पर ऐसा जो एफआईआर ना लिखने का रीजन है वो सिर्फ इतना ही है कि उनको वहां पर क्राइम रेट ज्यादा शो नहीं करना है, उनको ये नहीं दिखाना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है. क्योंकि जब अगर आप अपराध नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप किस तरह है ना, अगर आपके सर्किल, अगर आपके थाने में इतना क्राइम, तो इसीलिए नहीं. लेकिन अगर आपके पास वैलिड पॉइंट है तो आप एज अ सर्किल ऑफिसर इंश्योर कर सकते हैं कि वहां पर एफआईआर लिखी जाए. अगर आप पीड़ित हैं, पीड़ित के साथ ये होता है कि जनरली भगा देते हैं उनको कि नहीं लिखेंगे. कई केसेस में क्या है, कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है. जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, घर बार वाले में लड़ाई हो गई, सुबह लड़ाई हो गई, शाम को उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो उनकी कच्ची नकल लिख ली जाती है, उसको एफआईआर नहीं लिखा जाता है ना. तो उन लोग को भी ये पता होता है कि यहाँ पे मे बी कॉम्प्रोमाइज के चांसेस हों या बात सही हो जाए, तो इसको ना लिखा जाए. जहां पर कुछ ऐसे जेन्युइन केसेस भी हैं जहां पर वो एफआईआर नहीं लिखते, उनको ये होता है कि एफआईआर लिख रहा हूं मैं, मुझे कुछ ये पकड़ा दे हाथ, तो उस चीज को आप, आपके पास अथॉरिटी, आपके पास पावर है, आप उस चीज को कंट्रोल ला सकते हैं. आपको ये पता है कि आपके थाने में कौन सा एसओ क्या कर रहा है, कौन सा एसएचओ क्या कर रहा है. तो आपको ये चीज देखना है थानिया चौकी पर कि ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, किसी की आ रहा हो. औचक निरीक्षण समय समय पर आप करते रहिए हमेशा. आप कभी भी, जब कभी अपने ऑफिस जाए तो सबसे पहले थाना कार्यालय को विजिट कर लें, देख लें कि यहाँ पे अपराध रजिस्टर को आपको भी वहां उसको चेक करना होता है. आपके थाने में भी एक अपराध रजिस्टर होता है जो उसका फॉलोअप होता है कि थाने के जो भी आई है एफआईआर लिखने के लिए, आपकी भी
पास उसकी एक कॉपी के लिए रजिस्टर रहता है, अपराध रजिस्टर ही कहते हैं उसे, तो उस चीज वो प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी पीड़ित को सताया जा रहा हो या किसी की FIR ना लिखी जा रही हो। सर्किल इंस्पेक्टर, सर्किल ऑफिसर के तौर पे आप ये चीज इंश्योर कर सकते। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है कि मैम वहाँ सत्यनिष्ठा का क्या हो कि वहाँ किसी मंत्री का या फिर सांसद का फोन आ गया कि इसमें FIR नहीं होनी चाहिए और वो रियल में पीड़ित है, तो वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या होना चाहिए? अब ये चीज है कि अगर सच में पीड़ित है, जैसे कई मामलों में ऐसा होता है, जैसे हाथरस कांड में हुआ था, बदायूं कांड में भी हुआ था कि वो गई, जो रेप पीड़ित थी वो गई और उसकी FIR नहीं लिखी गई, तो वो चीजें आजकल जो है ना इतना प्रेशर कि जैसे सांसद का, मीडिया इतना ज्यादा विजिलेंट है कि इनका जो प्रेशर आता है कि FIR नहीं भी लिखी जाए, लेकिन जब वो केस मीडिया के थ्रू इतने ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं तो आप उसमें कुछ भी करें आपको FIR लिखनी ही पड़ती है। बहुत देखिए, मतलब पॉलिटिक्स को मैं बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानती, सांसद आपको 98% केसेस में फोन नहीं करेंगे, या विधायक 2% ऐसे केसेस होंगे जो उनकी तरफ से आपको प्रेशर में भी बनाया जाए, जो बहुत ज्यादा ऐसे मामले हो जाते हैं कि जहाँ पे, लेकिन उसके साथ ही ऑपोजिशन भी होता है जो उस चीज की डिमांड कर रहा होता है कि इसमें FIR लिखी जाए, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जहां पर कि आपको सरेंडर करना पड़ता है, आपको ऐसा करना पड़ता है कि आप नहीं लिख पाते। अब वहां पर आपका विवेक है ना कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही तो यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपको इतनी पावर दी गई है उसको आप वहां पर कैसे यूज कर पाते। अगर आपको ये लग रहा है कि इस मामले में आपको FIR लिखना जरूरी है और आपके ऊपर से इस चीज का प्रेशर आ रहा है कि इस चीज में FIR नहीं लिखी जा सकती, तो आप कैसे अपना विवेक का यूज करके उस इंसान को भी न्याय दिलाएंगे और आपके ऊपर जो प्रेशर है उसको भी रिलीज करवाएंगे, है ना? ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, ये जब आपके सामने आएगा उस टाइम पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इसके साथ सही करूं। जी मैम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप, हम थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं लेकिन जब आती हैं तभी हमें पता चलता है कि अब हम इसको कैसे करें। अगर आपने लिख दी तो हो सकता है आप ट्रांसफर होकर चले जाएं वहां से कहीं और, और अगर आपने नहीं लिखी तो आप अपने आप से ये कहते रहेंगे कि मुझे मालूम है किसके साथ गलत हो रहा है लेकिन इसको न्याय भी दिलवाना है ना, आपकी खुद की कॉन्शियंस भी जीवित है। दोनों चीजों में आपको बैलेंस बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकल है एग्जाम्स में, अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सोचें तो आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से यही सोचना है कि जितना भी प्रेशर हो, अगर मंत्री जी ये चीज आपको लिखित में दे रहे हैं कि FIR नहीं लिखनी है तो आप ना लिखें। अगर मंत्री जी ले जाए उस कितना भी प्रेशर हो, अगर आपको पता है कि आपको न्याय दिलवाना है और वो सच में पीड़ित है तो आप FIR लिखें, चाहे फिर दुनिया का कोई भी मंत्री और संतरी आपका जो बिगाड़ना चाहे वो बिगाड़, है ना? आप जिस पोस्ट पर आए हैं आप ऐसे थोड़ी ना किसी मंत्री के जुगाड़ से आ गए, आप जब आए हैं तो मेहनत करके आए, आप अपने, आपको अपने कंधों पर विश्वास था, आपको अपनी कलम पर विश्वास था, तभी आप आए हैं ना, तो जब आपको उस कलम पर विश्वास है तो आप लिखिए, जिसको जो करना है वो करें। मैम मैं कुछ बोलना चाह रहा था, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। मैम मैं ये कह रहा था, ये न्यूज जब यूपी गवर्नमेंट न्यू बनी थी तो उस समय कुछ भी न्यूज में रही थी, जैसे कि जो थाना होता है हमारा, अगर वहाँ पे कोई अपराधी आता है उसका संरक्षण अगर कोई विधायक या MLA करते हैं तो उनके लिए मैम एक अलग से रजिस्टर था, तो उसमें नोटिस किया जाएगा कि इन्होंने की इनकी सिफारिश में हमेशा छोड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है वर्तमान में चल रहा है या फिर ऑफ हो गया? न्यूज में था मैम उस टाइम पे जब मैंने पढ़ा था। क्या था कि समझी नहीं मैं, कि मंत्री की सिफारिश पे? हाँ मैम, जैसे कोई मतलब अपराधी है उसका रजिस्टर, मतलब वहाँ पे हम FIR करते हैं, तो अगर कोई मंत्री या सांसद जो भी उसे छुड़वाता है तो मैम उसे साइन करने होते रजिस्टर में कि इस समय मतलब भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कुछ है रजिस्टर जो मतलब थाने में रहता हो? रजिस्टर तो ऐसे कि जिन जो भी राजनीतिक आपके लोग हैं, एक राजनीतिक रजिस्टर होता है कि, क्योंकि एक अपराध संबंधी रजिस्टर होते हैं, एक अपराधी संबंधी रजिस्टर होते हैं, सामान्य रजिस्टर, तो जो अपराधी संबंधी रजिस्टर है उसमें आप ये सब लिखते हैं कि कौन से अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं आपके यहाँ पे, या और भी कुछ भगोड़े अपराधी हैं, उन सब के बारे में लिखते हैं। साथ ही साथ आपके वहां पर जो राजनीतिक लोग हैं, जो भी पॉलिटिकली बहुत जिनका वर्चस्व है, ऐसे लोग जब वहां पर होते हैं उनके बारे में भी आपको वहां पे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है,
और अगर कोई ऐसे हैं जो छुड़ा कर लेके जा रहे हैं तो उनका भी लिखा जाएगा कि इन ये लोग ऐसे छुड़ा कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए कोई सेपरेट रजिस्टर है इस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है, तो एंट्री करा दी जाती। जी मैम, थैंक यू मैम। वो सुपुर्दगी रजिस्टर होता है, वो ऐसा उसमें दूसरा कोई नहीं होता, वो सुपुर्दगी रजिस्टर होता है कि जो लेके जा रहा है उसके उसमें एंट्री कर देंगे और उस पे साइन करवा लेंगे। हाँ, मतलब वही कि जो लेके जाएगा उसकी वहाँ पे एंट्री हो जाएगी, उसके अलावा और तो कुछ नहीं, मतलब उसका इतना कोई अलग से इफेक्ट नहीं आएगा कि आप उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करें। ओके मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास इंटीग्रिटी समझ में आई।